हाय फ्रेंड्स, क्या आप बिलीव करेंगे फेमस इंडियन मेल्ट एंड माउथ स्वीट बनी है सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से, वो भी 15 मिनट में। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ फेमस इंडियन स्वीट कलाकंद की रेसिपी विद सम इजी ट्रिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। छेना बनाने के लिए सबसे पहले एक हैवी बॉटम पैन लें और उसमें 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लीजिए और इसे बॉईल होने दें। बॉईल आते ही गैस ऑफ कर दीजिए। अब इसमें 1/4 कप वाटर और 1 टेबलस्पून विनेगर का मिक्सचर डालें। याद रखें, ये मिक्सचर को प्रपोर्शंस में ऐड करना है और इसे मिक्स करें। अब इसमें बचा हुआ विनेगर और वाटर मिक्सचर डालिए और मिक्स करें। आप देख सकते हैं छेना अब दूध से अलग होने लग गया है, दूध पूरी तरह से फट चुका है। अब इसे छानेंगे। एक छन्नी के ऊपर मसलिन क्लॉथ लगे और छेना को फ्रेश वाटर से वॉश करें। छेना में से सारा विनेगर निकल गया है, अब इसे 5 मिनट रेस्ट करने दें। कलाकंद बनाने के लिए एक हैवी बॉटम पैन में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लीजिए और इसमें बॉयल आने दीजिए। बॉयल आने के बाद मिल्क को मीडियम हाई फ्लेम पर तक पकाएं जब तक ये हाफ ना हो जाए। दूध को कंटिन्यूसली स्टर करते रहें और साइड भी स्क्रेप करते रहें। मिल्क मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स लेगा अपनी क्वांटिटी का हाफ होने में। मिल्क रिड्यूस हो चुका है, अब इसमें 1/2 कप से थोड़ी कम चीनी डालें वरना कलाकंद बहुत ही मीठा हो जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2 के लिए चीनी को हमेशा प्रपोर्शंस में ऐड करें। ऐसा करने से कलाकंद सेट होने के टाइम छेना और पानी अलग नहीं होते। कलाकंद बनाने के लिए दूध अब रेडी है। छेना कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, अब इसे एक फोक या मैशर की हेल्प से मैश करें। दूध में अब छेना ऐड करें और इसे हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाएं जब तक छेना सारा मिल्क अब्सॉर्ब नहीं कर लेता। ध्यान रखें कि मिक्सचर को कंटिन्यूसली स्टर करते रहें वरना इस टाइम पर मिक्सचर जल भी सकता है। कलाकंद मिक्सचर अब रेडी है, गैस ऑफ कर दीजिए। ट्रिक नंबर 3, गैस ऑफ करने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सचर को कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। इससे मिक्सचर में बाइंडिंग आ जाएगी और टेम्परेचर ड्रॉप भी हो जाएगा। कलाकंद मिक्सचर इज रेडी। जिस बर्तन में आप कलाकंद सेट कर रहे हैं उसे सिर्फ घी से ग्रीस करें। याद रखें, ऑयल का यूज नहीं करना है। ग्रीस किए हुए बर्तन में कलाकंद मिक्सचर डालें और इसे अच्छे से स्प्रेड करें। कलाकंद को चॉप पिस्ताचियो से गार्निश करें और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने रख दें। फिर फ्रिज में 1 घंटा सेट होने रख दें। कलाकंद अब सर्व करने के लिए रेडी है, इसे अपनी डिजायर्ड शेप में कट करें। सो फ्रेंड्स, कल रक्षाबंधन है तो ये रेसिपी अपने सिबलिंग्स के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने रेसिपी ट्राई करी तो प्लीज इसकी पिक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जरूर शेयर करिएगा। आई होप यू लाइक द रेसिपी, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, रिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय।